हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की हमारी रेसिपी है दही वड़े। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1 कटोरी उड़द की दाल और 1 कटोरी में मूंग की दाल ले ली है। ये मैंने छिलके वाली ली है, आप बिना छिलके वाली भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको मैंने एक बाउल में डालकर ओवरनाइट के लिए रख दिया है। और उसके बाद सुबह हमने इसको अच्छे से धो लिया है। ये देखिए, इसका छिलका भी अच्छे से उतर गया है। इसको अच्छे से धोकर हम इसको पीस लेंगे और इसका अच्छा सा एक बैटर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, मैंने सारे बैटर को एकदम अच्छे से इसको पीस लिया है। और इसके बाद हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसको अच्छे से हम फेंटेंगे हाथ से, क्योंकि दही बड़े बनाने के लिए हमें दाल बहुत अच्छी फेंटना चाहिए, इसलिए हम दाल को अच्छे से फेंट लेंगे। और इसको हम साइड में रख देंगे और तेल को हम गरम कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें दही बड़े डालते जाएंगे। आप इसका साइज़ अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, मैंने इतना रखा है। और इसको हम थोड़ा सा पकने देंगे और थोड़ी देर बाद हम इसको अच्छे से पलट पलट कर अच्छे से सेक लेंगे। अच्छे से फ्राई हो रहे हैं हमारे दही बड़े। देखिए, हमारे दही बड़े फ्राई हो चुके हैं। मैंने इनको इतना फ्राई किया, आप चाहे तो और ज़्यादा कर सकते हैं या कम भी रख सकते हैं। तो बस हम इनको निकाल लेंगे और उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। ये देखिए, सर्व के लिए मैंने एक बाउल ले लिया है और उसमें मैंने थोड़ा सा ऊपर से दही डाला है। मैं अभी सर्व कर रही हूँ इसलिए मैंने अभी डाला है, लेकिन आप बाद में सर्व करें तो आप इसको थोड़ा गुनगुने पानी में दही बड़ों को रख दें, जिससे वो अच्छे से सॉफ्ट बने रहें। लाल चटनी डाली है और गार्निशिंग के लिए धनिया डाला है। तो बस तैयार हो गए हमारे दही वड़े। तो आप ऐसे ही अमेजिंग रेसिपीज़ के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड वीडियो को भी लाइक शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।